मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो उसमें 184 आता है, उन्हें बैलेंस मिलता है, उसमें क्या रूल है? मोबाइल रिचार्ज कराते हैं 100 के बदले में 84 आया। हाँ तो नहीं, ये 84 का टॉक टाइम आया, 100 के बदले में 84 रुपीज का टॉक टाइम आया। टॉक टाइम एक प्रोडक्ट है, जैसे ये एक प्रोडक्ट है। कोई कहे 1,000 रुपये में मैं 10 कप दे रहा हूँ, फिर कोई कहे नहीं 15 दे रहा हूँ, कोई कह रहा है 20 दे रहा हूँ। टॉक टाइम एक प्रोडक्ट है। वो टॉक टाइम 100 रुपये में कोई 85 देता है या 100 रुपये में 150 दे देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें रजामंदी और वो बाकी जो कायदे हैं वो अप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ पर ये कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये टॉक टाइम जो बोलते हैं ना आप, 85 रुपीज़ मिले, 85 रुपीज़ नहीं मिले, 85 रुपीज़ का टॉक टाइम मिला। टॉक टाइम क्या है? एक प्रोडक्ट है, सर्विस है ना, एक सर्विस। सर्विस और प्रोडक्ट वो एक गुड्स में आता है, मतलब माल है। मुबादलतुल माल बिल माल, माल के बदले में माल। तो जो माल दिया जा रहा है वो टॉक टाइम दिया जा रहा है। जैसे कि एक कस्टमर आते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं और चेक देते हैं, कैश एक्टिविटीज आजकल मतलब ब्लैक मार्केटिंग में जाता है, और जब चेक रहता है वो गवर्नमेंट की नज़र में मतलब एक रिकॉर्ड के तौर पर। और जैसे कि इसमें वो हैंड टू हैंड का जो है ऑन द स्पॉट, तो वो हिसाब से। जज़ाकअल्लाह खैर, ये एक बहुत अहम सवाल है। सवाल क्या है कि अगर कोई शख्स चेक पे पेमेंट कर रहा है, मिसाल के तौर पर किसी ने 50 ये कप्स लिए और कह रहा है मैं चेक से पेमेंट दूंगा, चेक से पेमेंट 2-3 दिन बाद मिलेगा, जायज़ है ना जायज़ है? हाँ जायज़ है ना, सोना नहीं, क्लियर कट जायज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि ये समन है कि मुसमन है, प्राइस है या प्राइस लगाई हुई चीज़ है, प्राइस लगाई हुई चीज़ है, मुसमन है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर 1 महीने बाद कोई क्रेडिट पे पेमेंट देगा, इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट देगा, हाँ आधा अभी आधा बाद में देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब समन की बात होती है, यानी कि सोना और चांदी, और जो उस ज़माने की हमने देखा कि 6 चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, तो जब समन की चीज़ है, सोना चांदी की बात है, तो इसमें कायदा क्या है? यदन बी यदिन, हैंड टू हैंड। जी सोना चेक से नहीं ले सकते, सोना चेक से नहीं ले सकते हैं, सोना क्रेडिट कार्ड से नहीं ले सकते हैं, सोना इंस्टॉलमेंट पे नहीं ले सकते हैं, सोना एडवांस बैलेंस पे नहीं ले सकते हैं, और इस बारे में कंसेंसस है और इजमा है। जी भाई ने बताया कि व्हाइट शो करना है। अच्छा जजाकल्लाह खैर, किसी को अगर इसमें सोना चेक पे नहीं लेना है लेकिन उस सोने का पेमेंट बैंक अकाउंट से करना है ताकि उसके वो व्हाइट उसमें शो करना है, तो उसकी इसके अंदर पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट ये चीज़ के जरिए पेमेंट करे तो वो एक्सेप्टेड है। जी जैसे अभी कोई लोग कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें बोलते हैं कि पैसा जैसे बचा, वो बोले कि पैसा बाद में देंगे, और कितने लोगों को पैसा देते ही नहीं है, तो ये क्या जायज़ है कि ना जायज़ है? देखिए किसी ने कहा कि इसके कर्ज वर्ज तो कुछ बोलते ही नहीं है, ये जो बचा पैसा इसमें तो कर्ज कोई बोलता ही नहीं है। आप कैश टू कैश की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात। ये प्रोडक्ट किसी ने क्रेडिट पे लिया, कहा कि मैं 1 महीने में पेमेंट दूंगा, 1 महीने बाद पेमेंट लेने जा रहे हो तो मिला नहीं, बोले बाद में लो, अभी बोले चप्पल घिस घिस के थक गए, आखिर में बोलता है पेमेंट नहीं आने वाला है, छोड़ो ये लेके गए, अब इसके लिए पैसे नहीं आने वाले हैं, तो ये क्या है? जिसने पैसे नहीं दिया उसने तो यकीनन गलत किया, वो कयामत के दिन अपने पैसे भरेगा, क्योंकि ये चीज़ है कि दुनिया में जो पैसे नहीं देता है वो पैसे आखिरत में कयामत के दिन नेकियों में से देना पड़ेगा। रुपीज़ तो होंगे नहीं, डॉलर होंगे नहीं, रुपीज़ में नेकियों में से देना पड़ेगा। लेकिन दुनिया के अंदर क्या ये कुछ डिले पेमेंट करना जायज़ है? पेमेंट डिले करना 1 महीने बाद दूंगा, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है, और 1 महीने का 1.5 महीने कर देना कोई हर्ज नहीं है, और अगर कोई नहीं देता है तो वो चीज़ उसके लिए बोझ है, बेचने वाले के ऊपर कोई बोझ नहीं है, बेचने वाले पे क्या दोष है उसने पेमेंट नहीं दिया तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी पूरा डिस्कशन हुआ उसमें एक बात आप क्लियरली याद रखिए, समन और मुसमन। समन जो प्राइस वाली चीज़ है, जैसे सोना चांदी रुपये डॉलर, इसके अंदर कायदा होगा हैंड टू हैंड वाला, इक्वल फॉर इक्वल का, लेकिन बाकी जो मुसमन है उसके अंदर पूरी गुंजाइशें हैं, उसमें काम कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ मिसालें देखते हैं सूद की। सूद जो नाम बदल करके आता है, तो मैं उसकी कुछ मिसालें हैं आपको पूछूंगा, आप लोगों को उसके जवाब देने हैं। एक शख्स है मिस्टर ए, ए और बी रख रहा हूँ क्योंकि सूद की बात आ रही है तो कोई अच्छा सा नाम देने अच्छा नहीं लगता है। ए बी को कहता है कि बी ऐसा करेंगे, मैं तुम्हें एक बिजनेस प्लान बता रहा हूँ, बिजनेस प्लान ये है कि तुम 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करो और मैं तुम्हें 10% प्रॉफिट दूंगा, 10% प्रॉफिट दूंगा, 10% प्रॉफिट तुम्हारा। सही है गलत है? सही।
सही है गलत है? सही है। कोई सही कह रहा है 10% प्रॉफिट, हाँ सही है, और कोई गलत कह रहा है? जी कौन गलत कह रहा है? उसमें रिस्क एक्टिविटीज नहीं है, मतलब प्रॉफिट रिस्क ना। हाँ। चलो लॉस भी 10%, हाँ तो फिर सही। अगर लॉस कहता तो गलत, लेकिन अभी चलो सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है तो वहां तक क्या है, मतलब वो गलत है। प्रॉफिट का परसेंटेज 10%, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको? हाँ, फिक्स अमाउंट हो जाता है, फिक्स अमाउंट है, फिक्स प्रॉफिट भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही है इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर कहता है कि प्रॉफिट ही मिलेगा तुम्हें 10 में, दैट इज फिक्स। सिंपल सी बात है कि जितना भी नफा होगा वो नफा का 10% देंगे तो जायज है, जो कैपिटल है वो कैपिटल का 10% देंगे तो, कि भाई आपने 1,00,000 इन्वेस्ट किए ना, आपको हर महीने 10,000 प्रॉफिट मिलेगा, आपको हर महीने 10,000 प्रॉफिट, 10% जायज है नाजायज है? अब क्लियरली नाजायज। क्यों नाजायज है? क्योंकि फिक्स हो गया ना। अब 10% के लिए नाम क्या दे रहे हैं? वो प्रॉफिट, लेकिन है क्या वो? सूद। सूद क्या नाम बदल के आया? प्रॉफिट का नाम लेकर आया, नफे का नाम लेकर आया सूद। तो वो नफे का नाम लेने से नाम से कंफ्यूज हम नहीं होंगे, वो नफे का नाम है लेकिन वो नफा नहीं है, वो क्या है? सूद है। जो सूद क्या है? हराम है। तो अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट का परसेंटेज है, नफे का 10% दूंगा, नफे का 20% दूंगा तो जायज है? तो जायज है, नफा होगा तो मिलेगा ना, जितना नफा होगा उसका 10%, 20%, 50% देना जायज है, 50% देना जायज है, 60% देना जायज है, 60% देना जायज है। जो नफा होगा उसमें तो निगोशिएशन है। तो प्रॉफिट का अगर हिस्सा दे रहे हैं, नफे का हिस्सा दे रहे हैं, तो नफा खुद वेरिएबल है, नफा कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी बम्पर हो जाएगा, कभी एवरेज होगा, कभी बिलो एवरेज, कभी लॉस भी हो सकता है। तो नफे नुकसान में पार्टनरशिप कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब कैपिटल का परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है, आपने इतना कैपिटल दिया, इसका इतना परसेंट तुम्हें प्रॉफिट के तौर पर दिया जाएगा, तो नाम से धोखे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाम है प्रॉफिट लेकिन है क्या? सूद है। वो एक मिसाल हो गई। तो हमने देखे नाम कैसे बदल के आ रहा है। एक शख्स कह रहा है कि देखो ये कप जो मैंने तुम्हें बेचे 100 पीस, क्या भाव में? 50 रुपए के 100 पीस, यानी कि हो गए 5,000। 5,000 रुपए एक महीने में देना है, 5,000 रुपए एक महीने में देना है। अगर एक महीने में पैसे नहीं आए तो हर दिन के 100 रुपये लेट फीस देना है, 100 रुपये लेट फीस देना है, हर दिन के 100 रुपये बढ़ते आएंगे। सही गलत? अब ये क्या है, नाम क्या लेकर आया? वो लेट फीस, लेकिन है क्या वो? सूद। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये लेट फीस नाम है लेकिन है सूद। अब देखिए मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, इतनी तारीख तक नहीं भरे तो इतनी लेट फीस लग जाएगी और इतना भरना पड़ेगा, ड्यू डेट तक नहीं भरे तो 1,000 रुपए का बिल है, लेट फीस अगर फला तारीख तक नहीं भरे तो 1,050 भरना पड़ेगा, 50 रुपए पेनल्टी, 50 रुपए लेट फीस। लेकिन ये क्या है, जो अमाउंट बढ़ के आता है टाइम डिले की वजह से, उसी अमाउंट का नाम क्या है? सूद है, वही सूद है। तो हम देखते हैं कि नाम है लेट फीस लेकिन है वो सूद। स्कॉलर्स का फतवा है कि जिसके पास इस्तेतात है, कैपेसिटी है, उसको टाइम पे कर देना चाहिए ताकि ये लानत वाली चीज सूद से वो बच सके। हाँ, सूद से बच सके, इसी वजह से उसे टाइम पे भर देना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत अफसोस की बात है कि कई सारे इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस किस्म की चीज़ें, स्कूल वगैरह, वहाँ पर भी टाइम पे फीस नहीं भरोगे तो 10 रुपये लेट फीस, 1,000 रुपये फीस है, 5 तारीख तक नहीं आई तो हर दिन के 10-10 रुपये बढ़ते जाएंगे। स्कॉलर्स के फतवे मौजूद हैं इस चीज़ के मुतालिक, वो कहते हैं इस तरह से लेट फी या पेनल्टी या जो भी चीज़ से टाइम पे पेमेंट ना करने की वजह से जो अमाउंट बढ़ रहा है वो बढ़ने वाले अमाउंट को सूद कहते हैं। तो कितना कॉमन हो गया ये, बहुत खतरनाक बात है। अच्छा, इसमें उनकी शिकायत क्या है, बिल्डिंग की सोसाइटीज कहती हैं, कहते हैं कि देखो लोग टाइम पे भरते नहीं है, इसी वजह से हम लोग लेट फीस रखते हैं ताकि लोग भरें। कि जो लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन है, बिल्डिंग की सोसाइटी है, कोई भी है, वो कहते हैं कि देखो लोग ऐसे स्लो पेयर्स होते हैं, टाइम पे भरते ही नहीं है, पैसे होने के बावजूद नहीं भरते हैं, लेट फीस वगैरह रखते हैं ना तो वो लोग टाइम पे आगे भरने लगते हैं।
अब इन लोगों को हलाल अल्टरनेटिव देना है, हमें जायज हलाल अल्टरनेटिव देना है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जायज का दायरा बहुत बड़ा है। जायज का दायरा ऐसा नहीं है कि एक हराम के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। हलाल चीज खुद सेल्फ सफिशिएंट है, हलाल तरीके से पूरा का पूरा काम हो सकता है। जो लोग बोलते हैं ना हराम सिस्टम के बगैर काम ही नहीं चलेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है और हम इसी चीज के मानने वाले लोग हैं। अब ये मुश्किल के मुताबिक हम हलाल अल्टरनेटिव्स हमें देना है उस हाउसिंग सोसाइटी को, कि जो हाउसिंग सोसाइटी कहती है कि टेनेंट्स जब मेंटेनेंस टाइम पर नहीं भरते हैं तो हमारे पास पैसे आते नहीं हैं, इसीलिए वो लोग लेट फीस लगाते हैं, या वो सर्विस प्रोवाइडर को जो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक टेलीफोन बिल्स में लेट की वजह से एक लेट फीस होती है, अमाउंट बढ़कर लगा हुआ होता है, तो ये सिचुएशन में हम क्या हलाल अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मैं मैटर ओपन अप करता हूँ आपके लिए कि आप अपने सजेशंस दीजिए और सजेशंस की रोशनी में हम लोग इंशाल्लाह एक लिस्ट ड्रॉ आउट करेंगे। ये एक फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हम इस मौजू पर ले रहे हैं। जी वार्निंग दे सकते हैं कि 4 दिन 5 दिन या 10 दिन उसके बाद निकाल देंगे, या फिर स्कूल की बातें स्कूल नहीं आने देंगे। तो भाई ने एक बताया कि जैसे बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही है या फलां चीज़ नहीं हो रही है, तो कोई पीनल एक्शन, जैसे कोई डिटरेंट एक्शन बताया जा सकता है कि देखो इतने दिनों में अगर आपकी फीस नहीं हुई तो ये रिस्ट्रिक्टिव मेजर हो सकता है। ये एक ऑप्शन है, ये हम ऑप्शंस नोट डाउन कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी शख्स के लिए कोई ऑप्शन ज़्यादा फीजिबल हो, किसी के लिए कोई और ऑप्शन ज़्यादा फीजिबल हो। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन है जो एक सजेशन के तौर पर आया है, और ये पीनल एक्शन जो रिस्ट्रिक्टिव पेनल्टी वाला एक्शन, ये एक फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए बताइए और बताइए, लिस्ट यहीं ख़त्म हो रही है, आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। चलिए मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करता हूँ क्या क्या हो सकता है। एक कम्युनिटी ब्लैकलिस्ट बन सकती है। कम्युनिटी ब्लैकलिस्ट इस बुनियाद पर कि जो लोग टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनकी एक ब्लैकलिस्ट पुट अप हो सकती है कि देखिए ये 10 लोगों की ब्लैकलिस्ट है, ये लोग नहीं पे कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस्लाम ने ये भी बात सिखाई है, सूरह बकरा की आयत नंबर 280 है, कि अगर मान लीजिए कि जिसे देना है पेमेंट, जो मकरूज है, अगर वो मुश्किल में है तो उसे वक्त दो। तो हमें ये मालूम करना है कि कोई अगर सचमुच मुश्किल में है, वो शख्स है जिसने बताया कि देखिए मेरी ये डिफ़िकल्टी है, तो उसे वक्त देना इस्लाम ने ही सिखाया है। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक शफकत के साथ मामला करना इस्लाम ने सिखाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक शख्स को अल्लाह ताला ने उसकी मगफ़रत कर दी। तो क्या वजह थी उसकी मगफ़रत कर दी? वो शख्स मालदार था, उसने कई लोगों को कर्ज दे रखे थे, और जब वो उसने अपने मातहत उसके मुलाजमों को ये इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि अगर कोई पेमेंट ना कर पाए तो उसे छोड़ देना, कोई पेमेंट ना कर पाए तो उसे छोड़ देना, तो वो लोग छोड़ दिया करते थे। तो जब फाइनली उसका मामला अल्लाह के पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं इसे छोड़ूँ, ये लोगों को छोड़ता था, मैं इसके साथ वैसा ही करूँगा, मैं भी इसे छोड़ दूँगा। तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को छोड़ दिया, मतलब उसकी मगफ़रत हो गई, उसकी पकड़ नहीं हुई उसकी गुनाहों की वजह से। तो हम ये देखते हैं कि जैसा बंदा करेगा बंदों के साथ, अल्लाह ताला भी उसके साथ वैसा ही करेगा। जैसे हमें हदीस मिलती है, सही बुखारी की हदीस है, इरहमो मन फिल अर्ज यरहमुको मन फिस समा, ज़मीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो हम अगर रहम का मामला करेंगे अल्लाह भी हमारे साथ रहम का मामला करेगा। तो जो जेन्युइन डिफ़िकल्टीज़ में हैं उन्हें वक्त देना, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से काम लेना, उनके साथ ये सख्ती वाला मामला नहीं करना, ये तो हमें मिल रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए तो खर्च करते हैं और चीज़ें खर्च कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के ड्यूज़ या उन्होंने जो सर्विसेज ली है वो सर्विसेज के पेमेंट्स करने में, वो चीज़ों में बहुत सुस्त होते हैं। और ऐसा बहुत बड़ा तबका है आज की सोसाइटी में, जैसे माशरा बिगड़ रहा है तो ये बिगाड़ भी बढ़ रहा है। अब ऐसे लोगों को रेगुलेट करने के लिए हमने सेकेंड मेजर ये देखा कि ब्लैकलिस्ट बनाई जा सकती है। थर्ड मेजर कि एक बार किसी का नाम ब्लैकलिस्ट में आ गया तो फिर उसे सर्विसेज मिलती रहे, इसलिए उसके पास से डिपॉजिट लेना कंपलसरी कर सकते हैं कि आपने देखिए एक बार डिफ़ॉल्ट किया, सेकंड टाइम डिफ़ॉल्ट किया, थर्ड टाइम डिफ़ॉल्ट किया, अब आपको ये डिपॉजिट देना होगा। आप ये जो डिपॉजिट दोगे तो आप अगर कभी नेक्स्ट टाइम नहीं दिए तो आपके डिपॉजिट में से वो चीज़ कवर होगी, फॉर द टाइम बीइंग आसानी होगी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका डिपॉजिट कम होता है तो आपको फिर से डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो ये एक एक्सेप्टेबल इस्लामिक हल है, जैसे हम इसके बारे में डिटेल्स थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह देखेंगे। एक और ऑप्शन है कि गारंटर दिया जा सकता है कि आप अभी डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, ब्लैकलिस्ट में आ चुके हो, 1, 2, 3 डिफ़ॉल्ट्स हो चुके हैं, अब आपको अगर ये सर्विस चाहिए तो आपको अपने लिए कोई गारंटर देना पड़ेगा, जो अगर आप पेमेंट ना करो तो गारंटर पेमेंट करें। ये भी एक हलाल पॉसिबिलिटी है और इसके ताल्लुक से हमें हदीस भी मिलती है।
तो गारंटर का कंसेप्ट मिलता है, डिपॉजिट का कंसेप्ट मिलता है, ब्लैक लिस्ट का कंसेप्ट मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक ये भी पॉसिबिलिटी है और जिसकी उलमा ने इजाज़त दी है कि मान लीजिए जैसे मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अब रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, बारिश आने से पहले रोड बनना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो गाफिल होते हैं, सुस्त होते हैं, बनाते नहीं हैं। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाला जाए कि जो हमें पेमेंट देना है ये रोड बनाने के लिए 1,00,000 रुपये का, अगर इन्होंने फलां ड्यू डेट तक नहीं बनाए तो फिर उनके ऊपर पेनल्टी के तौर पर उनका जो पेमेंट है 1,00,000, उसमें से 1,000 कम हो जाएगा और हर एक हफ्ते के लिए 1,000 कम होता जाएगा। तो क्या ऐसे टाइप की पेनल्टी क्लॉज डालना जायज़ है या नहीं जायज़ है? तो उलमा ने बताया कि ऐसा टाइप की पेनल्टी क्लॉज जिसके अंदर पेमेंट में से डिस्काउंट किया जा रहा है फॉर अ पेनल्टी, तो इसकी इजाज़त है। पेमेंट में से जो डिस्काउंट किया जाए पेनल्टी के तौर पर, इसकी इजाज़त है। लेकिन जो पेमेंट बढ़ाने के बारे में बात है कि अगर 10 दिन में आपने पेमेंट नहीं दी, मिसाल के तौर पर किसी ने ये क्रेडिट पे बेचा कि मोबाइल के आपको 10,000 देने हैं, लेकिन आपने अगर 10 तारीख तक पेमेंट नहीं दिए तो फिर 2% के हिसाब से बढ़ता जाएगा आपका अमाउंट। तो ये क्या हो गया, ये क्लियर कट सूद हो गया। या कोई कहे अगर 10,000 पेमेंट इतने दिनों में नहीं की, 1 महीने में, तो फिर आपको हर थोड़े दिनों के लिए इतना बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर क्या हो गया, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है जी। तो ये हमने कुछ ऑप्शंस देखे, और कोई ऑप्शन आप सजेस्ट करना चाहते हैं? सर्विस रोकी जा सकती है जी, सर्विस रोकी जा सकती है। एक और क्लॉज है कि थोड़ा मुश्किल क्लॉज है, मान लीजिए किसी ने ये मोबाइल को इंस्टॉलमेंट पे लिया कि 1,000 के 12 इंस्टॉलमेंट देने हैं। अब 12 इंस्टॉलमेंट में से 5 इंस्टॉलमेंट तो पेमेंट किए, छठा इंस्टॉलमेंट कोई बिना किसी वैलिड रीजन के डिले कर रहा है, दे नहीं रहा है, तो फिर ये क्लॉज डाला जा सकता है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर बिना किसी वैलिड रीजन के आपने नहीं किए तो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो जाएंगे, सारे के सारे जो बाकी के इंस्टॉलमेंट जो हर महीने ड्यू होने वाले थे वो एक साथ में ड्यू हो जाएंगे, ये क्लॉज डाला जा सकता है। मतलब ये क्या है ना, ये सब बताने में मकसद ये है कि ये तो कुछ चीज़ें हैं, और भी बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो मना किया गया है वो चीज़ हमारी लिस्ट में नहीं आना चाहिए। बाकी और जायज़ देखना है तो जायज़ में और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो यूज़ की जा सकती है इंशाल्लाह। तो अब तक हम टॉपिक ये देख रहे थे कि सूद कैसे नाम बदल करके आता है, कैसे अपना शक्ल भी बदल करके आता है, और अगर कोई शख्स इस्लाम के जो तिजारत के उसूल को नहीं जानता तो बहुत मुमकिन है कि वो सूदी काम करने लगेगा और उसे एहसास भी नहीं होगा कि वो सूदी काम कर रहा है। सूद की लानत उस पर होगी, वो दिरहम और रिबा, 1 दिरहम सूद का जो जानबूझकर एक शख्स खाए, 36 times जिना करने से बड़ा गुना है, वो गुना कर रहा होगा और एहसास भी नहीं होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से नाम बदल करके आता है। हमने एक मिसाल देखी जिसके अंदर सूद प्रॉफिट का नाम लेकर आता है, प्रॉफिट के नाम से सूद, ये प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं होता है, ये हकीकत में सूद ही होता है, सिर्फ नाम और टाइटल प्रॉफिट होता है, हकीकी प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट तो हलाल है, तिजारत हलाल है, सूद हराम है। हमने एक और मिसाल देखी जिसके अंदर नाम लेकर आया लेट फीस, सूद का नाम लेट फीस,